Assalamualaikum everyone. Today is the 10th of our trip और हम निकल पड़े हैं शारदा से और बस अब हम चेक पोस्ट पर आ रहे हैं. वहाँ से नूरी टॉप जाना है इंशाल्लाह. आज जरीफोर्ट से उतरेंगे तो ये प्लान है जी. ये जी नूरी टॉप का रास्ता शुरू हो चुका है. 11 या 12 किलोमीटर जो है वो साफ रोड है. उसके बाद जो है वो थोड़ा मुश्किल रोड है. शुरू हो गया रोड. तो आज हमारा डे 10th था और हम लोग ने प्लान किया था कि हम लोग नूरी टॉप के लिए जाएंगे और हम नूरी टॉप के रास्ते में ही हैं. इस तरीके का ये रास्ता है. नीचे से करके आ रहे हैं. थोड़ा सा पहले पक्की रोड थी, फिर अब कच्ची शुरू ही हुई थी और यहाँ पर बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है. और वेदर आप देख सकते हैं, बहुत बुरा वेदर हुआ हुआ है. ये है जी यहाँ का अभी. हाँ जी बाबा, वापस हो लें बेटे. देखे ना, ये बारिश में और डेंजरस हो जाता है, चढ़ाई भी और उतराई भी. और तो कीचड़ हो जाता है, उस पर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. इससे पहले कि ये हो, या फिर कभी इंशाल्लाह कर लेंगे, नीचे चल के सरगुन पे वेट करते हैं 1.5 घंटा. अगर वेदर साफ हो जाता है ठीक है जी. तो अब देखते हैं, हम लोग नीचे जाते हैं सरगुन में जाके बैठते हैं थोड़ी देर. अगर वहाँ पर बेहतर होता है मौसम, कुछ बहुत बेहतर दिखता है तो फिर इंशाल्लाह आगे जाएंगे, वरना फिर नूरी टॉप इंशाल्लाह किसी और दफा करेंगे. बीच रास्ते में थे गाइस, बारिश हो चुकी है और ये अटेम्प्ट हमारा फेल हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बारिश. अब देखें, अब इस दफा तो नहीं कर सकते क्योंकि आज बारिश का है यहाँ पर और कल भी ऐसे ही अगर होगा. ऐसे अगर रोडें एकदम खराब होती हैं यहाँ पर बारिश होने के बाद. तो हम लोग वापसी का कर रहे हैं. बाबा मैं पहले जा रही हूँ. जी जी जी, मैं आहिस्ते ही चल रही हूँ. यहाँ पर कुछ लोकल्स हमें मिले थे, वो लोकल्स भी आगे नूरी टॉप तक जा रहे हैं, लेकिन हमको भाई आदत होगी, हम यहाँ के नहीं हैं इसलिए हम लोग ने वापसी का रुख लेंगे. फील सो बैड राइट नाउ गाइज. नूरी टॉप करना था बट हम नहीं कर सकते, बारिश हो गई है. अब हम बस नीचे जा रहे हैं. सूरज निकल रहा है. Let's wait and see. अगर सूरज निकल आता है बाबा फिर हम चलते हैं. Alright guys. So we are trying again for Nuri Top. हम लोग रास्ते के नीचे रुक गए थे चेक पोस्ट पे और वहाँ पर हम लोग रुके थे. बहुत अच्छे साफ रुपये चेक पोस्ट, तो उन्होंने हमको वहाँ पर नाश्ता करवाया. अब ये है कि अब हम लोग दोबारा निकल पड़े हैं. हल्की हल्की बूंदा बांधी है, धूप भी निकली हुई है थोड़ी सी. ये हमारा सेकेंड अटेम्प्ट है. हम लोग पहले अटेम्प्ट में आए थे, बहुत शदीद बारिश शुरू हो गई थी और रोड्स अभी थोड़ी सी गीली हो रही हैं, लेकिन हमने कहा यार यहाँ तक आए तो एटलीस्ट दोबारा एक सेकेंड अटेम्प्ट करके देखते हैं. तो अब हम लोग निकल पड़े हैं. पहले जहाँ तक रास्ता किया था उससे थोड़ा आगे निकल चुके हैं. सो लेट्स सी कहाँ तक हमें साफ मिलता है. अब हम लोग को करना है इंशाल्लाह नूरी टॉप. है बाबा इंशाल्लाह. चले जी लेट्स गो. रास्ता गाइस अब तक तो क्लियर लग रहा है, आसमान भी थोड़ा सा खुल गया है, लेकिन मजेदार ऑफ रोड है भाई ये. Oh
थोड़ा सा स्लिप हुआ है क्योंकि बारिश हुई है सुबह सुबह ना, उसकी वजह से थोड़े से जो रॉक्स है वो स्लिपरी है। तो ये है जी न्यूरी टॉप का रास्ता, और हम लोग अभी थोड़ा ही रास्ता कवर किया हमने, बट दैट्स द ग्लेशियर जो कि पीछे है, और इसी तरीके का जो है वो आगे भी अभी आएगा। एक वाटर क्रॉसिंग भी है यहाँ पर जो कि सबसे ख़तरनाक मानी जाती है। आज देखते हैं कि कितनी ख़तरनाक वो वाटर क्रॉसिंग है। सो शुक्र है यार अल्लाह का कि मौसम सही हो गया है, बारिश में हम लोग घबरा गए थे और वापस चले गए थे, तो हम लोग अब दोबारा जा रहे हैं। सो अब जल्दी जल्दी मूव करेंगे, कहीं और दोबारा बारिश ना आ जाए क्योंकि आज बारिश का इम्कान है। So let's go. यहाँ चढ़ाई काफी है लगनी का, लेकिन जब आप चढ़ा रहे होते ना तब आपको फील होता है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट गियर पे ही चल रही है अभी बाइक। बाबा का वेट करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास बाइक पे सामान ज़्यादा है, मेरा थोड़ा कम सामान है तो मेरी आराम से चढ़ रही है। We are finally doing this trek guys, और बड़ी ख्वाहिश थी ये ट्रैक करने की, काफ़ी वीडियोज में भी देखा था। बस हम लोग कर रहे हैं, जैसे तैसे हो रहा है बस कर रहे हैं, क्योंकि ख्वाहिश थी तो करना तो बनता है बॉस। यहाँ तो अभी छोटा छोटा पानी आ रहा है, लेकिन सुना है कि आगे बहुत बड़ी एक आबशार है, वहाँ का पानी सबसे ज्यादा बड़ा है। अभी 9 बजे का टाइम है गाइस, हम लोग 7 बजे बल्कि 6:30 पे अपने होटल रूम छोड़ दिया था, और हम 7 बजे ट्रैक पे थे, लेकिन बारिश हो गई थी तो हम वापस चले गए थे। फिर नाश्ता वास्ता किया, फिर 8 बजे हम लोग निकले हैं वहाँ उस जगह से जहाँ पर हमने नाश्ता किया, और मिट्टी अभी भी गीली है। बड़ा ही खूबसूरत रोड है यहाँ का, ऐसे ऑफ़रोड में मजा आता है यार। यहाँ से लगता है गाइस फिर से चढ़ाइयाँ शुरू हैं थोड़ी सी ना, तो लेट्स सी जी बाबा आ गए। ऑल गुड, चलो लेट्स गो। हमें लग रहा था सुबह हमें थोड़ी सा पैथ पे बारिश मिल गई थी, तो हमें लग रहा था कि शायद ये गीला होगा, हल्का हल्का सी नमी है लेकिन गीला नहीं है, जिसकी वजह से आसान सही लग रहा है, मतलब वरना शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाता।
ऑलराइट गाइस, सो वी आर स्टिल ऑन आवर वे टू नूरी टॉप और हिम्मत कर ली थी हम लोग ने दोबारा से हैं बाबाजू जी बिल्कुल हिम्मत है मरना मदद है खुदा बिल्कुल ऐसे ही है शुक्र है अल्लाह का के मौसम साफ हो चुका है और अभी जो है पूरे नीला आसमान हो चुका है और बादल हट चुके हैं उस तरफ काफ़ी बादल हैं लेकिन यहाँ पर बादल आते हैं बारिश हो रहे देर नहीं लगती बहुत जल्दी होता है बहरहाल अभी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ियाँ फर्स्ट और सेकंड गियर पे ही चल रही हैं तो मोस्टली फर्स्ट पे चल रही है और फिर जाहिर सी बात है लोडेड भी हमारी गाड़ी क्योंकि हमें जलखट पकड़ना है सो ये वाला रूट करने का बड़ा हमारा ख्वाब था कश्मीर का एक सबसे वो रूट जो हमने सोचा हुआ था कि हम कश्मीर जाएंगे तो ये जरूर करेंगे अल्लाह ताला इसको पूरा करे तो रोड अभी तक बेहतर है कुछ कई कई जगह पे थोड़ा थोड़ा पानी है थोड़ा थोड़े पत्थर है लेकिन वैसे नॉर्मल है मतलब इतना बुरा रोड नहीं है आराम से यहाँ बाइकें आ सकती हैं तो जितने भी बाइकर हजरात हैं वो ज़रूर आएँ ये ज़रूर एक्सपीरियंस करें और सुबह का टाइम बेहतर है सुबह का टाइम आए ताकि शाम से पहले ढलने से पहले पहले आप जलखट को उतर जाएँ सो या दैट्स एन अपडेट गाइज और फिर आगे हम और मज़ीद अपडेट करेंगे इस ट्रिप पे सो या एनी मैसेज बाबा जानी बस यही मैसेज है कि हर जा तेरी कुदरत के हैं लाखों जलवे है रहा हूँ कि दो आंखों से क्या क्या देखूं और मैं अपनी बहादुर बेटी के साथ बहुत थैंक यू गाइस ये है वो नूरी टॉप का पहला नाला है दो नाले हैं यहाँ पर शुक्र है लोकल्स हमारे साथ हैं सो लेट्स ट्राई कि हो जाए बाइक अटक गई है गाइस यहाँ पर हट जाओ बेटा साइड पे बैठ जाओ एक वो देखो उसको कह रहे हैं उस तरफ तो जाओ उधर रही कलच छोड़ दो आप लोग ने हमारी हेल्प करी है यहाँ पर और फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग हो गई इसके अलावा आगे भी है ना और इनके हाथ पे हल्की चोट भी लग गई है सो अभी इनको थोड़ा सा फर्स्ट एड देंगे एंड देन वी मूव अहेड इंशाल्लाह बस यार यहाँ पर बहुत खूबसूरत लोग हैं बहुत प्यारे लोग हैं बहुत हेल्पफुल लोग हैं सो थैंक यू सो मच कश्मीर फॉर हैविंग अस हेयर और हम लोग को हेल्प करने के लिए जितने भी लोग हमें रस्ते में मिले उन सबको हम बहुत शुक्रगुजार हैं उन सबके बहुत शुक्रिया आप लोग का ये देखिए कि दुनिया कितनी हसीन है और पाकिस्तान कितना अच्छा है और अल्लाह ने आपका कितना साथ देता है जब आपकी एक सच्ची लगन होती है कुछ करने के लिए हम लोग दोनों अकेले निकले थे लोगों ने काफ़ी डराया भी था नूरी टॉप तक जब मत जाइएगा और खतरनाक भी है कोई घर नहीं है आसपास कोई लोग नहीं है आसपास लेकिन हमें उतने ही माशाल्लाह अच्छे लोग मिल गए रस्ते में दुनिया बहुत अच्छी है यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं अगर आप अच्छे हैं तो आपका हर अच्छा इंसान हर अच्छा जगह पे लोग मिल सकते हैं जिन लोकल्स ने हमारी हेल्प करी थी गाइस उन्होंने बताया कि यहाँ पर झील भी है छोटी सी तो हमने कहा कि पहले आज झील का भी थोड़ा लुत्फ उठा
ये है जी एक छोटी सी झील जो कि नूरी टॉप के पास है, और हमें बिल्कुल नहीं आइडिया था इस चीज़ का, ख़ासतौर पर झील का प्रिटी, और पीछे फुल ग्रीनरी, बहुत खूबसूरत है ये नूरी टॉप। अब हम कुछ पिक्चर्स लेंगे यहाँ पर। दूसरा नाला दोनों वाटर क्रॉसिंग हो गई हैं, बस नूरी टॉप पहुँचेंगे, वहाँ पर उनकी पिक्चर लेंगे और फिर इंशाल्लाह जलपथ पर उतरेंगे। हाय गाइस, इट्स एन अपडेट। इस तरह का रोड है, यहाँ पर थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई हैं, पता नहीं चल रहा है लेकिन चढ़ाइयाँ हैं जिसकी वजह से हमारी बाइक में गर्म हो रही है। और ये हैं जी बाबा उस जगह पे खड़े हुए। मेरी बाइक क्योंकि चल रही थी तो मैं कंटिन्यूस चलाती गई चलाती गई, मैंने कहा जहाँ तक के आ सकती है, और मेरी बाइक इस चढ़ाई पर रुक गई है क्योंकि यहाँ से आगे सांस भी नहीं ले रही मेरी बाइक। तो आई नीड अ पुश, तो कोई पीछे से अगर धक्का देगा तो फिर ये स्टार्ट होगी। थोड़े दो तीन बोर्ड ऐसे हैं जो कि मुश्किल हैं, जैसे ही आप सेकंड वाटर क्रॉसिंग करते हैं ना उसके बाद थोड़े से मुश्किल है, लाइक पत्थरों वाले बोर्ड हैं। बचत अटक गई गाड़ी। हो जाएगा इसलिए
मजा आ गया गाइस, यहाँ के ऑफ रोड बहुत ही मजेदार है। यहाँ से थोड़ा मुश्किल रोड है यार। फिर गिर गए भाई, गिर चुकी है। GoPro की बैटरी खत्म हो चुकी है। एक्सपीरियंस यही है कि भाई GoPro की दो बैटरीज होनी चाहिए, मैंने एक ही बैटरी रखी हुई है, तो वो खैर खत्म हो चुकी है। तो अब हम इसी से बनाएंगे और इसी से अपडेट करेंगे। बस पहुंचने ही वाले, ये थोड़ी सी चढ़ान और है, उसके बाद ये बाबा बैठे थके हुए, अभी बाइक उठानी है बाबा, स्टार्ट नहीं होगी वरना। इनका रोड बहुत मुश्किल है, असल में सामान वगैरह सब हमारे पास लोडेड है और बाइक्स हमारे पास जो है वो 110-150 है। सीरियसली इस पर बहुत मुश्किल है ऐसे पत्थरों पे चढ़ाना। सामने अगर आप देख रहे हैं वो जो है वही नूरी टॉप है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। बस एक ये चढ़ाई है जो करनी है, उसके बाद फिर हम नूरी टॉप पर पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ से नीचे का रास्ता है। ये सीन है गाइस, दिस इज़ द अपडेट फॉर नाउ। एंड की जो चढ़ाइयाँ हैं उस पर हमारी जान लग गई, लेकिन बाइक की जान निकल गई। एनीवे सामान पूरा निकालना पड़ा क्योंकि मेरी तो नहीं चल रही थी, इस पर चढ़ ही नहीं पा रही थी। बाबा की चढ़ गई है, शुक्र है, मुझसे नहीं हो पा रहा था। सो हमारे साथ जो लोकल्स थे उन्होंने मेरी हेल्प करी उस टॉप तक ले जाने में। सो यस, बाबा अपनी बाइक खुद लेकर जा रहे हैं। मुश्किल है बट कर सकते हैं, अगर आप ग्रुप में हो और ज़्यादा लोग हों तो। दो लोग हम लोग पागल हैं, अकेले आ जाते हैं। बादल भी आ रहे हैं, बस अभी ये कि हमें झलकट की तरफ रुख लेना पड़ेगा, जल्द से जल्द नीचे उतरना पड़ेगा। ये अपडेट है, लेट्स मूव। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक विद एन अपडेट और हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। शुरू में इट वॉज क्रेजी गुड ट्रैक, लेकिन एंड में बहुत मुश्किल हो गया था और अभी हम लोग इस पॉइंट पे लेकर आ गए हैं इसको। भाई ये है जी नूरी टॉप और अभी हम यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह खींचेंगे। Yeah, that's all about it. But all in it was a good experience and एक एक्सपीरियंस करनी थी ये जर्नी, बिकॉज मुझे काफ़ी बाइकर्स ने ये बोला था कि आप नूरी टॉप ज़रूर करिएगा आफ्टर आई डिड बटगोई टॉप। तो दिस इज अनदर टॉप दैट वी डन सक्सेसफुल, सो या दैट्स इट। आई एम हैप्पी दैट यहाँ तक पहुँच चुके और अब हम नीचे झलकट की तरफ नीचे उतरेंगे। जी बाबा जानी, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम वेरी हैप्पी टू रीच हियर एंड द ट्रैक वाज वंडरफुल एंड डेंजरस टू। बिल्कुल, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस आप में विल होनी चाहिए, आप में विल होनी चाहिए तो आपको लोग मिलते हैं अच्छे लोग। कई लोगों ने रास्ता भी गाइड किया। वाटर क्रॉसिंग मैंने बड़ी एंजॉय की, ठंड काफी है, तेज पानी और फ्रीजिंग वाटर। लेकिन जो आज हमने आधा रास्ता तय किया फिर वापस चले गए बारिश की वजह से, फिर प्रोग्राम बनाया, तो आज इरादे हमारे पुख्ता थे, तो अल्लाह ताला जरूर मदद करता है। रास्ते में एक दो बच्चों ने भी हमारी बहुत हेल्प की, क्योंकि कई जगह आपको जरूरत पड़ती है। तो बेटी दोनों अकेले हैं ट्रैक पे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तजुर्बा है और आप लोग ज़रूर हैं, बहुत खूबसूरत है हमारे पाकिस्तान। जिंदाबाद कश्मीर, जिंदाबाद। तो ये जी हम हैं बिल्कुल नूरी टॉप पे और अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, इन लोकल्स को शुक्रिया कहेंगे जिन्होंने हमारी मदद की और अब वो यहाँ से वापस जाएंगे। वो नूरी टॉप घूमने आए थे तो वो वापस उतरेंगे नीचे उस तरफ से जहाँ से हम चढ़े हैं और हम उतरेंगे दूसरी तरफ से जो कि जलखट को उतरता है।
अब हमने उतरना शुरू कर दिया है। ये जी यहाँ पर उतरते हुए बड़ा मुश्किल है क्योंकि काफी पत्थर है आगे बहुत ज्यादा बेहतर है गिर सकती हूँ मैं। आराम से बिल्कुल एज पे बस। By the way, ये ट्रैक काफ़ी सुनसान है और यहाँ पर लोग भी इतने ज़्यादा आते नहीं हैं। लाइक अभी हम सुबह से चल रहे हैं वहाँ से 8 बजे के निकले हुए और मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 गाड़ियाँ गई हैं शायद, बाकी कुछ लोकल बाइकर्स हैं जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं इस रूट के थ्रू, वरना आप देख लें रोड पर कोई भी नहीं है और सिर्फ मैं और मेरे अब्बा की बाइक चल रही है यहाँ पर। बट अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है कि सेफली हम लोग पहुँच जाएँ। बट हाँ इट इज़ अ बिट डेंजरस क्योंकि अगर अल्लाह ना करे किसी को कुछ हो गया यहाँ पर, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो यहाँ पर कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई भी यहाँ पर लोग नहीं हैं जिनसे आप हेल्प ले सकें। ऐसे टॉप हैं जहाँ पर है ना ज़्यादा डॉक्टरों का गुजर नहीं होता है, तो इट्स बेटर कि आप ग्रुप में करें ताकि अगर कोई किसी की हेल्प चाहिए हो, कोई मसला वसला हो जाए तो आपके साथ एटलीस्ट लोग हो। बट वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमें चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए कुछ लोकल्स मिल गए थे जिन्होंने हमारी मदद कर दी और उतराइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेफली खुद से कर ली हैं। तो ये है जी साढ़े 3 का टाइम हो गया शायद। कोशिश हमारी ये कि भाई रात होने से पहले ना पहुँच जाए। ओह भाई देख कर यहाँ पर पत्थर वाला ट्रैक है पूरा। बाबा पीछे हैं, मैं आगे हूँ। अभी रोड यहाँ से बेहतर हो चुका है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब यही है कि जल्द से जल्द और साथ खैरियत के हम लोग नीचे पहुँच जाएं और फिर इंशाल्लाह झलकट से फिर देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है। ये आ रहे हैं जी बाबा जू। लेकिन इस ट्रैक पर माशाल्लाह मैंने तो रिकॉर्ड कायम कर लिया है, मैं कम से कम 7 से 8 बार गिरी हूँ। बहुत मुश्किल है यार, हो ही नहीं रहा है। नवी दफा गिरी हूँ गाइस इस ट्रैक पे। इट्स नॉट एन इजी ट्रैक। ये देखें आप, यहाँ पर मैं और पापा दोनों गिर गए थे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं। बहरहाल अब ये है कि बस किसी लोकल से पूछा, मैंने कहा 15 मिनट और है और फिर आप झलकट पहुँच जाएंगे। अब ये पता नहीं 15 मिनट कब ख़त्म होंगे, समझ नहीं आ रहा। यहाँ से निकलेंगे तो पता चलेगा। ये है जी अपडेट, ये है वैली।
लग रहा है हम पहुंचने ही वाले, बस थोड़ी सी देर और है। वहां पर हमें दिख रहा है, रोड भी दिख रहा है। बस जी अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा से हो रहा है, पैक हो चुका है, हमारे मुश्किल मरहले हम पार करके आ चुके हैं। जी हम टिकट के बोर्ड पे बस उतरने ही वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ खैरियत के, हाँ गिरते पड़ते लेकिन एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि ये ट्रैक भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम उतर आए हैं पहाड़ों से नीचे। ये हमारी खुशी है नूरी टॉप करने के बाद की, ये दिन हमेशा याद रहेगा हमें। ओए होए क्या एडवेंचर था भाई। जी हम नूरी टॉप से झलकट के पास पहुंच चुके हैं। आ गए मेरा हां, और हम रोडों पे आ गए गाइस। ऑफ रोड इतने दिन हमने ऑफ रोड किया है, कम से कम 9 दिन हमने ऑफ रोड करने के बाद अब हमें ये रोड नसीब हुआ है, बहुत खुशी है।